नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कासा ग्रीन में 3 BHK इंटीरियर की। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने मेन डोर से। मेन डोर पर हमने यहाँ पर क्या कहा, एक आपका MSK यहाँ पर डोर लगाया हुआ है और इस तरह से यहाँ पर पैनलिंग कर दी है और इसमें स्पॉट लाइट लगा दिया। यहाँ पर हमने एक वॉलपेपर इंस्टॉल किया है और ऊपर एक यहाँ पर एक सेल्फ लगा दिया। चलते हैं अंदर फ्लैट की तरफ, अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम में अगर हम फॉल सीलिंग की बात करें, तो फॉल सीलिंग हमने यहाँ पर क्या क्या हुआ है, यहाँ पर हमने 3 पेलमेट बनाए हुए हैं जिसमें कि हमने प्रोफाइल लाइट लगा दिया। बीच में यहाँ पर हमारे एक सैंडलियर आ जाता है और सामने हमारा यहाँ पर एक मंदिर आ जाता है। मंदिर के जस्ट सामने वाली वॉल, यहाँ पर हमारे सोफे आएंगे, तो इस वाली वॉल को हमने हाईलाइट किया हुआ है। इसमें हमने अपना PVC मोल्डिंग बनाई हुई है जो कि इस तरह से, और लेफ्ट और राइट में एक वॉल लैंप, दो वॉल लैंप लगा दिए हैं। फोयर की बात करें, जो एंट्री के जस्ट बराबर ऊपर हमारा एक फोयर रहता है, इसमें हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर CNC जाली अड्डी को फिनिशिंग यहाँ पर लगाई हुई है जिसमें कि लाइट लगा दी है। जस्ट इसके बराबर में हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर एक सूर्यक बनाया हुआ है, सूर्यक के यहाँ पर एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है। जस्ट इसके ऊपर एक फुल लेंथ मिरर लगा दिया है। और हॉल के टीवी पैनल की बात करते हैं, हॉल के टीवी पैनल की बात करें तो कुछ हमारा टीवी पैनल यहाँ पर इस तरह से नजर आता है जिसमें कि हमने यहाँ पर 3 ड्रॉर दी हुई है, ओपन एक अपना साइड में एक ओपन स्पेस आ जाता है और ऊपर 3 बॉक्सेस ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमने एक पूरा आर्टिफैक्ट वगैरह के लिए ओपन सेल्फ बनाए हुए हैं जिसमें कि हमने प्रोफाइल लाइट लगा दी है। सामने हमारा यहाँ पर TV आ जाएगा। TV के जस्ट बराबर में हमने यहाँ पर क्या कहा, हमने यहाँ पर लूवर्स पैनलिंग की हुई है। अगर टीवी पैनल की बात करें तो टीवी पैनल हमारा कुछ इस तरह से नजर आता है। सामने वाली वॉल की बात करें, सामने वाली वॉल पर हमने क्या कहा है, हमने यहाँ पर क्रोकरी कम बारयूट बनाया हुआ है जिसमें कि हमने नीचे स्टोरेज दे दी है इस तरह से। जस्ट इसके बराबर में हमने एक फुल लेंथ यहाँ पर एक मिरर दे दिया है, सॉरी ग्लास दे दिया है, ग्लास का शटर दे दिया है। इसके बराबर में एक ग्लास का शटर यहाँ पर आ जाता है और एक ग्लास का शटर यहाँ पर जाता है। बीच की बात करें, बीच में हमने यहाँ पर क्या कहा है, बीच में हमने यहाँ पर ग्लास पैनलिंग की हुई है जिसमें कि 2 सेल्फ दे दी है इस तरह से और इनमें प्रोफाइल लाइट लगा दी है। बात करते हैं मंदिर के, मंदिर की अगर हम बात करें, मंदिर हमारा कुछ इस तरह से नजर आता है। मंदिर में हमने 2 शटर यहाँ पर नीचे बनाए हुए हैं और 2 शटर हमने यहाँ पर ऊपर बनाए हैं जो कि आपका डीको फिनिश है। अंदर की बात करें तो अंदर से जो कुछ हमारा जो मंदिर है वो कुछ इस तरह से नजर आता है, मंदिर हमारा कुछ इस तरह से नजर आता है। हमने यहाँ पर स्वास्तिक लोगो बना दिया है CNC जाली में जो कि डीको फिनिश है और यहाँ पर जो 2 सेल्फ ऊपर लगा दिया और 2 सेल्फ हमने यहाँ पर नीचे लगा दिया जिसमें कि हमने हमारी भगवान की छोटी छोटी मूर्तियाँ यहाँ पर आ जाएंगी। मंदिर के जस्ट बराबर वाली वॉल भी हमने हाईलाइट की हुई है। यहाँ पर हमने यहाँ पर सामने हमने POP हमने सॉरी PVC मोल्डिंग लगा दी है और यहाँ पर हमने एक आर्टिफैक्ट वगैरह रखने के लिए ओपन सेल्फ बनाए हुए हैं जिसमें कि प्रोफाइल लाइट लगा दी है। एक बड़ा सा ओपन बॉक्स हमने यहाँ पर बनाया हुआ है जिसमें कि स्पॉट लाइट लगा दी है। नीचे एक छोटी सी हमने यहाँ पर ड्रॉर बनाई हुई है और एक नीचे ओपन बॉक्स यहाँ पर बना दिया है। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हमारी किचन आ जाती है। किचन में हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इस तरह से एक वुडन पैनलिंग की हुई है जिसमें कि हमने जो लैमिनेट यहाँ पर यूज़ की है वो स्टोन फिनिश यूज़ की है। चलते हैं अपने किचन की तरफ। किचन की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पर नीचे के पार्ट की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर 2 कलर यूज़ किए हैं, एक आपका डार्क ग्रे और एक आपका ऊपर लाइट ग्रे यूज़ किया हुआ है। नीचे की बात करें तो नीचे हमने यहाँ पर 5 बास्केट यहाँ पर दी हुई हैं। सामने वाले जो स्पेस आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारी चिमनी आएगी। चिमनी के लेफ्ट और राइट में हमने यहाँ पर 4 शटर दिए हुए हैं जो कि प्रोफाइल शटर हैं जिसमें कि हमने फ्लूटेड ग्लास यूज़ किया हुआ है और नीचे हमने यहाँ पर कंटिन्यू एक प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है। सामने वहाँ पर हमारी सिंक जाती है। सिंक के जस्ट अपोजिट वाले पार्ट की बात करें तो हमने यहाँ पर 2 टैंडम ड्रॉर उधर दी हुई हैं लास्ट में और यहाँ पर 3 नॉर्मल शटर बना दिए हैं। ऊपर की बात करें, ऊपर ये जो आप स्पेस देख रहे हैं ये हमारा अवन का स्पेस है, यहाँ पर हमारा अवन आ जाएगा और ऊपर हमने इस तरह कंटिन्यू यहाँ पर लोफ्ट बनाई हुई है। बराबर में हमारा यहाँ पर फर्स्ट रूम आता है। फर्स्ट रूम की अगर हम बात करें फुल सीलिंग की, तो फुल सीलिंग हमने इस तरह से पैलमेट बनाया हुआ है जिसमें कि प्रोफाइल लाइट लगा दिया है। अगर इसमें सामने की हम वार्डरोब की बात करें इस वाले रूम की, तो वार्डरोब हमारी कुछ यहाँ पर इस तरह से नजर आती है जिसमें कि हमने 2 कलर यूज किए हुए हैं, जिसमें अपना हमने ब्लू कलर और ब्लैक कलर के हैंडल और अपना व्हाइट कलर यूज किया हुआ है जिसमें कि हमने यहाँ पर ब्लैक कलर के हैंडल लगा दिए हैं और ब्लैक कलर की ही हमने यहाँ पर टी प्रोफाइल से हमने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया हुआ है। अंदर की बात करें तो अंदर से कुछ हमारी जो वार्डरोब है वो कुछ इस तरह से नजर आती है। यहाँ पर हमने एक ओपन स्पेस बनाया हुआ है जिसमें कि क्लाइंट के एग्जिस्टिंग वार्डरोब है लोही वाली, तो वो इसमें हम इसमें फिक्स करेंगे, ये स्पेस हमने उसके लिए बनाया हुआ है। और जस्ट इसके बराबर की बात करें तो इसके बराबर में अगर हम अंदर के एलिवेशन की बात करते हैं तो वो कुछ हमारा यहाँ पर इस तरह से नजर आता है। ऊपर एक हमारी नॉर्मल छोटी सी लॉफ्ट आ जाती है, यहाँ पर हमारा एक हैंगर स्पेस आ जाता है, ये पूरा यहाँ पर एक ड्रॉर आ जाती है और यहाँ पर ये हमने ओपन छोड़ा हुआ है।
और ऊपर ये कंटिन्यू एक हमने लोफ्ट बना दिया। टीवी की बात करें तो टीवी में हमने यहाँ पर चेस्ट एंड ड्रोर बनाया हुआ है, जिसमें कि हमने चार ड्रोर यहाँ पर दे दिए, बीच में एक ओपन सेल्फ दे दिया है और सामने की तरफ हमारा यहाँ पर टीवी आ जाएगा। बात करें टॉयलेट, हमने यहाँ पर क्या क्या हुआ है, टॉयलेट में हमने यहाँ पर नीचे एक वैनिटी बना दी है और ऊपर एक मिरर लगा दिया है। हम चलते हैं अपने रूम की तरफ जैसे चलते हैं हमने, हमारा यहाँ पर एक फोयर एरिया आता है जिसमें कि हमने डीको फिनिश जाली लगाई हुई है और अंदर चलते हैं। जैसे हम सामने चलते हैं अपने मास्टर बेडरूम की तरफ, मास्टर बेडरूम की जस्ट सामने वाली वॉल को हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। अगर इसमें वार्डरोब की बात करें तो वार्डरोब हमारी यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आती है, जिसमें कि हमने दो कलर यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, तीन कलर हमने यहाँ पर यूज़ किए हैं, तो बेज कलर, वाइट और अपना ग्रे कलर हमने यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। स्लाइडिंग वार्डरोब है जो कि आपका पूरा इस तरह से नजर आती है। और फॉल सीलिंग की बात करें तो फॉल सीलिंग हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, इस तरह से पैलमेट बनाया हुआ है चारों तरफ और हमने इसमें प्रोफाइल लाइट लगा दी, बीच में हमारा यहाँ पर एक फैन आ जाएगा। अंदर की बात करते हैं तो अंदर जैसे हम वार्डरोब के अंदर की बात करें, अंदर कुछ हमारा इस तरह से हमारा यहाँ पर एक हैंगर स्पेस जाता है, हमने यहाँ पर दो ड्रॉर दे दिए हैं और नीचे ओपन स्पेस दे दिया है। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड पार्ट हमारा कुछ इस तरह से यहाँ पर नजर आता है, सेम बनाया हुआ है। हमने यहाँ पर एक हैंगर स्पेस जाता है अपना और यहाँ पर नीचे दो ड्रॉर आ जाती है और नीचे हमने ओपन स्पेस दे दिया है। टीवी की बात करें तो टीवी में हमने यहाँ पर चेस्ट एंड ड्रॉर बनाए हुए हैं, सिर्फ यहाँ पर हमने तीन ड्रॉर बनाई हुई है और ऊपर सामने हमारा टीवी आ जाएगा। अगर ड्रेसिंग की बात करें तो ड्रेसिंग हमारा यहाँ पर कुछ इस तरह से नजर आता है, हमने यहाँ पर क्या कहा है, बराबर में हमने यहाँ पर अपना सामान रखने के लिए अपना एक प्रोफाइल शटर बनाया हुआ है, जिसमें कि हमने फ्रोस्टेड ग्लास यूज किया हुआ है और अंदर जो है प्रोफाइल लाइट लगा दी। सामने हमारा यहाँ पर मिरर आ जाता है जो कि लाइट इसमें LED मिरर है, इस तरह से आप इसमें लाइट ऑन ऑफ कर सकते हैं और नीचे कंटिन्यू हमने सेम मिरर हमने यहाँ पर कर दिया है। टॉयलेट की तरफ, टॉयलेट की बात करें तो हमने यहाँ पर इस तरह 2x2 की ग्रिड सीलिंग की हुई है और इसमें कंटिन्यू अपना यहाँ पर हमने कॉर्नर प्रोफाइल लगाई हुई है। सामने यहाँ पर हमारा वॉश बेसिन आ जाता है, वॉश बेसिन के नीचे हमने एक बॉक्स बनाया हुआ है जो कि अपना सामान वगैरह यहाँ पर आप कैरी कर सकते हैं। और सामने जो ड्राई और वेट को अलग करने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्लास पार्टीशन दे दिया है। तो चलते हैं वो इस वो उसके अब हम बात करते हैं लॉबी की। लॉबी में एक हमारी यहाँ पर वार्डरोब आती है जो कि इस तरह से यहाँ पर हमने पूरा हमने यहाँ पर बेज कलर यूज किया हुआ है, जिसमें कि हमने 3 शटर वार्डरोब बनाई हुई है और सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने इस तरह से ये ग्रूविंग कर दिया है। अब बात करते हैं टॉयलेट की। टॉयलेट में अगर बात करें तो सेम हमने यहाँ पर क्या हुआ है, वही सेम कंटिन्यू एक प्रोफाइल कॉर्नर प्रोफाइल लाइट लगाई हुई है। नीचे हमारा यहाँ पर वैनिटी बॉक्स आ जाता है, सामने एक मिरर आ जाता है और ड्राई एरिया और वेट एरिया को अलग करने के लिए हमने यहाँ पर एक पार्टीशन बनाया हुआ है जो कि स्लाइडर है। अपने किड्स रूम की तरफ, किड्स रूम की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं बेड के। हमने यहाँ पर एक बेड बनाया हुआ है और सामने हमने यहाँ पर एक सेटी बनाई हुई है, जिसमें कि हमने यहाँ पर ड्रॉर दे दिए हैं और ऊपर हमने यहाँ पर गद्दे लगा दिए हैं। बात करते हैं किड्स रूम के वार्डरोब की। वार्डरोब की अगर हम बात करें तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, यह पूरी कंटिन्यू एक वार्डरोब बनाई हुई है, जिसमें कि हमने पिंक कलर यूज किया हुआ है और व्हाइट कलर यूज किया हुआ है। सामने यहाँ पर हमारा एक ड्रेसिंग आ जाता है, नीचे यहाँ पर दो ड्रॉर आ जाती हैं। ड्रेसिंग की बात करें तो इस तरह से कुछ ड्रेसिंग में हमने लाइट मिरर लगाया, प्रोफाइल लाइट लगा दिया, ऊपर हमारी यहाँ पर एक कंटिन्यू लोफ्ट आ जाती है। बात करते हैं बेड के जस्ट फॉल ऊपर के फॉल सीलिंग की। हमने यहाँ पर ज्यादा हैवी फॉल सीलिंग ना करके सिर्फ एक क्लाउड बनाया हुआ है, जिसमें कि हमने 3 डाउन लाइट लगा दी हैं। और बात करते हैं स्टडी की। इस रूम में स्टडी टेबल की बात करें तो हमने यहाँ पर एक नॉर्मल शटर बनाया हुआ है और ऊपर 3 ड्रॉर बना दिए कंटिन्यू, बीच में हमारा खाली स्पेस आ जाता है। ऊपर हमने यहाँ पर एक ओपन बॉक्सेस बना दिया, जिसमें कि प्रोफाइल लाइट लगा दिया और ऊपर हमारे यहाँ पर 3 शटर आ जाते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे इंटीरियर के नए नए आइडिया साथ, तब तक के लिए बाय।